फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनजी फैशन स्टाइल। मैं मन्नत खान आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंसीलर की डिफरेंस के बारे में। बहुत सारी गर्ल्स और लेडीज़ को पता नहीं होता है कि जो इस टाइप का कंसीलर्स आता है, यानी कि स्टिक फॉर्म में जो कंसीलर आता है, उसका क्या डिफरेंट होता है, एंड इस टाइप का जो ब्रश वाले जो कंसीलर्स आते हैं उसका क्या डिफरेंट है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को मैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो गाइज, यहाँ पे जो मैं कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ, दोनों ही स्विस ब्यूटी ब्रांड के हैं, जो कि टॉप क्लास के जो कंसीलर्स हैं मेरे हिसाब से अफोर्डेबल प्राइस में। ये जो स्विस ब्यूटी के कंसीलर जो इस टाइम आ रहे हैं मार्केट में, वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ईजिली मिल जाते हैं और बहुत सारे शेड्स में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड तो मैंने सोचा आज इन दोनों ही कंसीलर के डिफरेंस बताती हूँ। अगर आप परचेज करना चाहते हैं ये वाला कंसीलर या ये वाला कंसीलर और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से कौन सा कंसीलर जो है परचेज करें, तो आज मैं इन दोनों में डिफरेंट बताने वाली हूँ। तो आपको आसानी हो जाएगी कि इन दोनों में से कंसीलर में से आप कौन सा कंसीलर जो है परचेज कर सकते हैं। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो पहला कंसीलर है वो स्टिक कंसीलर, यानी कि पेन स्टिक कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ और मैं बताऊँगी इसके बारे में। तो ये जो स्टिक कंसीलर, इसका शेड नंबर है 01, जो कि मेरी स्किन टोन के हिसाब से यही कंसीलर जाता है। एंड आपकी स्किन के हिसाब से जो सा कंसीलर जाता है, तो आप अपने फाउंडेशन से एक टोन जो है लाइटर कंसीलर लीजिए। इस कंसीलर से क्या होता है कि आपके जो फेस पे जो डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, जो अनइवन स्किन टोन है आपके फेस पे, इम्परफेक्शंस वगैरह होते हैं, वो अच्छे से हाइड हो जाते हैं। पिंपल के स्पॉट्स होते हैं वो अच्छे से कवर अप हो जाते हैं, और उसके बाद आप जब कंसीलर अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो इजीली बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाता है एंड जो आपका फेस है वो इवन लगने लगता है। अगर आप कंसीलर नहीं अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, तो आपके जो फेस पे जो स्पॉट्स वगैरह हैं वो नज़र आएंगे, तो और आपका फेस जो है फ्लॉलेस नहीं लगेगा और अच्छा आपका मेकअप नहीं लगेगा। तो कंसीलर को यूज़ करना जो है कंपलसरी होता है अगर आपके डार्क सर्कल्स वगैरह हैं। कंसीलर को मैं अपने जो है अप्लाई करके बताती हूँ। ये काफ़ी स्मूथ कंसीलर है एंड आपके जो डार्क सर्कल्स हैं जो और आपके स्पॉट्स वगैरह हैं फेस पे, वो अच्छे से हाइड हो जाते हैं एंड कवर हो जाते हैं। एंड यहाँ पे इसको ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करी हूँ। डैम ब्यूटी स्पॉन्ज से आप जो है कंसीलर को जो है ज़रूर ब्लेंड कीजिए, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स को मैं ज़रूर जो सजेस्ट करना चाहूँगी कि ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करें फाउंडेशन और कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईजिली ये ब्लेंड हो गया और एक फिनिश छोड़ी है यहाँ पे, जो आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कितना अच्छा से एक कवर हो गया है। डार्क सर्कल्स और मेरे दोनों आई में डिफरेंट देख सकते हैं यहाँ पर। आप इस कंसीलर को जो है फाउंडेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल ओवर फेस पे आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे किसी किस्म की स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है, क्योंकि इससे जो है आपके पोर्स जो होते हैं वो जो है फिल नहीं होते हैं। बहुत सारे कंसीलर्स में ऐसा होता है कि हम अपने अगर फेस पे अप्लाई कर लेते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस कंसीलर से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो पेन स्टिक कंसीलर अपने फेस पे अप्लाई करके बताती हूँ, ये एकदम ऐसा लगता है जिसके आपको बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाता है एंड बहुत ही ईजिली आपको फाउंडेशन से भी ज़्यादा ईजिली आप इस स्टिक को जो है अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं ब्लेंड करके बताती हूँ। एंड इसकी फ्रेग्रेंस रियली रियली ऑसम। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर मुझे बहुत ही पसंद जो है एक फाउंडेशन का काम भी करता है। एंड आप देख सकते हैं फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी इतना अच्छा कवरेज नहीं मिलता है जितना कवरेज मुझे इस स्टिक से मिला है। आप इस स्टिक को जो है कंसीलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड फाउंडेशन की तरह, दोनों ही तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आपने डिफरेंट देख सकते हैं मेरे फेस में और कितना अच्छा कवरेज मिला है, और जो मेरे फेस पे डार्क सर्कल्स हैं वो भी हाइड हो गए, और जो स्पॉट्स वगैरह थे मेरे यहाँ पे तो वो भी अच्छे से कवर अप हो गए हैं। आप मेरा फेस देख सकते हैं एकदम इवन हो गया है। एंड इस कंसीलर के बारे में बात करते हैं, तो ये लिक्विड कंसीलर है एंड आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी क्लासी पैकेजिंग है एंड ग्लास बॉटल में जो है इसकी पैकेजिंग की गई है। एंड ये एक लिक्विड है एंड ये जो कंसीलर होता है उसको सिर्फ आप जो है अंडर आई एरिया पे और स्पॉट्स पे कवर कर सकते हैं, इसको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
तो अब इसको डार्क सर्कल पे अपने अप्लाई करके बताती हूँ कि इसका कवरेज कैसा रहता है। एंड ये शेड जो है 02 शेड है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे शेड के अकॉर्डिंग ये लिक्विड कंसीलर मेरे शेड नंबर 02 जाता है मेरे स्किन टोन के हिसाब से। एंड यहाँ पे जो मेरे डार्क सर्कल थे तो वो इस कंसीलर से बहुत अच्छे से हाइड हो गए थे। इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया है। यहाँ पे ऑडियो प्रॉब्लम हो रही थी गाइस, इसलिए मैंने जो वीडियो का साउंड था वो मैंने कम करके जो अलग से साउंड इसमें डाला है, तो इसके लिए सॉरी गाइस। एंड इसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो यहाँ पे सारे कंसीलर को सेट करने के लिए लैक्मे का सीसी कॉम्पैक्ट का यूज़ कर रही हूँ। ये एक ऑयल फ्री कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे आप चाहे तो लूज पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट का यूज़ किया है। कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर का यूज़ ज़रूर करें, मैंने आपके फेस पे जो है क्रीज लाइन वगैरह पड़ जाएंगी जिसकी वजह से आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़रूर सेट कीजिए कंसीलर को अपने। दोनों में डिफरेंट आपको पता चल ही गया है। इस कंसीलर को जो है आप फाउंडेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इस कंसीलर को सिर्फ हाइलाइट्स एरिया और स्पॉट्स वगैरह को छुपाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बताया कि इस कंसीलर से आपके जो है स्पॉट्स वगैरह डार्क सर्कल्स भी अच्छे से हाइड हो जाएंगे और इससे स्वेटिंग नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि कंसीलर अप्लाई करने के बाद स्वेटिंग होती है तो इस कंसीलर से बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर आप परचेस कर सकते हैं, फाउंडेशन की जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये वाला कंसीलर अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यूज़ करिए। बहुत ही हाई कवरेज कंसीलर है, एकदम से आपके जो है हाइलाइट्स एरिया को हाइलाइट कर देता है, एंड आपके जो डार्क सर्कल्स वगैरह स्पॉट्स वगैरह है, एंड इवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, वो अच्छे से हाइड हो जाती है, कवर हो जाती है और आपको एकदम फ्लॉलेस बेस जो है मिलती है। तो आई होप सो कि मैं आपको इन दोनों कंसीलर में डिफरेंस सही से समझा पाई हूँ। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और अपनी राय और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।